तो इस समय अगर बजारे तकने जी पुल आली रोड बहुत ही ज्यादा रश है। ये आली आवाम वास्तै इस्लामगढ़ की आवाम वास्तै चकसवारी की आवाम वास्तै और कोटली आवाम वास्तै बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चाहे जी वजीर आजम साहब दिखाई गया कि पुल आला वजीर आजम साहब वापस चाहिए जी, सादक साहब जाते खुद ड्राइव करी रहे। गड्डियां सारियां अगे जी कॉलेज नहीं जानब। साल 2012 था, वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब तशरीफ लाए थे और उठवा रियाम ब्रिज का संगे बुनियाद रखा गया था। ये भी कोई कमांड काम सी, 160 मीटर मीरपुर वाले पास भी किलोमीटर बन गए हैं, चकसवारी वाले पास भी इस्लामगढ़ वाले पास भी बन गए हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं सी। राशिद शबीर जी हमारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करना सारी ठीक ठाक सो, खुश बाश सो और अल्लाह ताला ने हिज्जो अमान च सो। मैं राशिद शबीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे राशिद शबीर आज सारी खिदमत फिर आजरा जी एक नवी वीडियो के लिए। इसलिए मैं मौजूद हाँ जी इस्लामगढ़ बाजार, तो इस्लामगढ़ बाजारे से तकने जी बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। अस्पताल गड्डिया इतना आई हुआ, एम्बुलेंस इतना आई हुआ, पुलिस वाली गड्डिया इतना आई हुआ और चेक करने जी पुल वाली रोड बहुत ही ज़्यादा रश है। ये चेक करी करना जी सरकारी गड्डी है। अच्छा आए जी वजीर आजम साहब दिखाई गया कि पुल आला जाए सर ही गया, बहुत बड़ा बनाया जाती है, चेक करिए माशाल्लाह। इफ्तिदास बाद मजीद साहब और वजीर आजम साहब वापस जी रहे, डडियाल ने एम एन ने अजो सैदक साहब भी है। अच्छा चेक करो जी, वजीर आजम साहब वापस चाहिए जी, अच्छा सादक साहब जाते खुद ड्राइव करी रहे। गड्डियां सारियां अगे जी कॉलेज नहीं जानब। पूरी मुजफ्फराबाद गड्डिया इतना आई हुआ जी, सरकारी गड्डिया सारियां इतना आई हुआ, इतना इन्हें इतना जितना दबाव हुई है इस जगह जी अगे कॉलेज नहीं जाने। वजीर आजम साहब उधर गए, उत आवाम से खिताब कर सन तो आवाम सारी उस जानब जा रही है, अस भी उस जानब जा रहे हैं। मोटरसाइकिल अस अपना खिलाई है, अस पिछे है, दसो इतों अस हूँ पैदल जा रहे हैं जी अगे। यह आवाम वास्तै इस्लामगढ़ की आवाम वास्तै चकसवारी की आवाम वास्तै और कोटली आवाम वास्तै बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पुल ना हो गया जी, इसका अज से दुआ सुनी। तो दुआ सो बाद वजीर आजम अगे गए कॉलेज नहीं जाना, आम इलाका तो किताब दर्शन है, अस तक कहना जी आवाम इतना कितनी ज्यादा है जी, कितनी ज्यादा इतना आवाम है। काफ़ी अर्से आवाम इंतजार करी इसी है, डियाल नहीं कोटली नहीं सामगढ़ नहीं और चकसवाड़ी के ये पुल बने तो असा कोई सुख सौंत लाया, तो उन्होंने हूँ ख्वाहिश पूरी हुई है जी, काफ़ी अर्से तकी दसन है माहौल माशा तकी कहना जी सारा रखा ब्रिज ने इस दा पर सारा ही माहौल माशा है और रश है, तो आवाम सारी जसा गाय जा रही है,
ਅੱਛਾ ਜਮਾ ਹੋਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਗਨੋ ਜੀ ਹਮ ਦੋੜਾ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਨਫਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਗਨੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਆਇਆ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਆਏ ਗਏ ਜੀ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਾਂ ਜੀ गेयर पर मशीन लाई गई है सारे बंदे उस मशीन गुजरी थे जासन अगर उस बंदे को कोई चीज़ है तो ये मशीन बोल सी है आवाज़ कसी है लगा सब क्या करनी है मशीन दू 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 दू। मशीन बू बोलनी जी चुकी है अंदर अंदर सा माहौल चेक करो है कॉलेज ना ग्राउंड है तो कॉलेज ने ग्राउंड स्टेज लाया गया हवा में सारा रश इतना ठीक ना जी कितना ज्यादा है जी कितना ज्यादा है वाह आजम अहमद स्टेज पर आ चुकी है चौधरी मेहरबान साहब आजी मालिक साहब साथ मुगल काउंसलर साहब चांद जुप जाताज दर उंगली उठाते महद में चांद जुप जाताज दर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नायब काबिल एहतराम वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर जनाब चौधरी अनवार उल हक साहब सदर तकरीब मेरे वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर बरकियात जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब वजीर तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक साहब वजीर फिजिकल प्लानिंग और हाउसिंग जनाब चौधरी यासिर सुल्तान साहब मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मेरे भाई वजीर बल्दियात राजा फैसल मुमताज राठौर साहब सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर हकूमत मेरे नायक के प्यारे भाई सरदार जावेद अयूब साहब डायरेक्टर जनरल मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी मंशा साहब चौधरी अंसर साहब दीगर जो स्टेज पे मेरे लिए मेरे कायदीन पंडाल में अहल आले हलका नंबर दो के बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों मीडिया के दोस्त अंजुमन ताजरा इस्लामगढ़ चकसवारी के दोस्त अवामी एक्शन कमेटी रठुआ रियामपुर की जो तंजीम है डडियाल से जो लोग आए जो गुजराए हुकूमत के साथ मीरपुर से लोग आए सबको मेरा सलाम। आज जिस जगह मैं खड़ा हूं इस्लामगढ़ आज से तकरीबन 2012 साल 2012 था इसी जलसा ग्राउंड के अंदर इसी मकाम के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म मेरे वाले साहब चौधरी अब्दुल मजीद साहब सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब और दीगर लोगों ने यहां उनका वेलकम किया और उठवा रियाम ब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था। मैं अपने आप को यासिर सुल्तान साहब आपको चौधरी अजहर सादिक साहब आपको खुशकिस्मत समझता हूं कि 2016 के अंदर जब हमारी हुकूमत गई उसके बाद इस ब्रिज पर एक पत्थर न लग सका। आज अल्लाह पाक ने करम किया वजीर आजम अनवार उल हक को क्रेडिट जाता है कि आज हम दोबारा इसी मकाम पर खड़े होकर आगाज इन लोगों की दुआ करके आए। जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर
मैं आपका अपनी तरफ से एहलियाने हलका दो इस्लामगढ़ की तरफ से, जिला मीरपुर की तरफ से, डडियाल के लोगों की तरफ से, मीरपुर शहर के लोगों की तरफ से, खड़ी के लोगों की तरफ से, डिवीजन मीरपुर के लोगों की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रादराने मोहतरम, 20 अप्रैल 2023 को चौधरी अनवार उल्लाह वज़ीरे आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी एक एतिहादी जमात है। कुछ अरसे बाद मैं अज़हर सादिक साहब, यासर सुल्तान साहब वज़ीरे आज़म साहब के पास बैठे हुए थे। वज़ीरे आज़म साहब ने जहां पर आजाद कश्मीर के दीगर मसाइल और कौन से प्रोजेक्ट्स करने उस पर बात की, वहां पर हम लोगों ने बात की, जनाब वज़ीरे आज़म आपका तल्लक किसी डिवीजन से है, पहले ये एक जिला हुआ करता था मीरपुर और बिम्बर। हमारी एक रिक्वेस्ट है, और कोई काम हो या ना हो, रुठोवा हरियाम ब्रिज मुकम्मल करवा के दे हमें। मैं वज़ीरे आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीरे आज़म साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम मिलकर रुठोवा हरियाम ब्रिज को मुकम्मल करेंगे। जनाब वज़ीरे आज़म इसी जलसा के अंदर, ग्राउंड के अंदर, आज से 1.5-2 साल कबल रात की तारीकी में वज़ीरे आज़म को लाया गया था। लाया गया था या नहीं लाया गया था, आप खड़े करके बताओ। मैं दिन के उजाले में वज़ीरे आज़म को लेकर आया हूँ। पाकिस्तान आजाद कश्मीर, वज़ीरे आज़म आजाद कश्मीर जिंदाबाद, वज़ीरे आज़म आजाद कश्मीर जिंदाबाद। चौधरी अब्दुल मजीद सदर रियासत अहलियाने जिला मीरपुर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। वजीर मंगला खिताब खिताब सबसे पहले यूसुफ जा गिलानी साहब को, उन्होंने दामदनी ब्रिज का भी, इस पुल का भी और यूनिवर्सिटी का भी याद रखा और पास भी है। बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसा से इसको लहत लाल से काम करते रहे, उन्हीं हम उदाह हुआ। बहरहाल आज इन्होंने ये किया है, ये तरानी इनको जाता है। मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ, इनके वालद मोहतरम मेरे भाई भी थे, दोस्त भी थे, उनके साथ हम चलते रहे, इकट्ठे चलते रहे। इसलिए मैं इनसे तो रखता हूँ कि आप जिस तरह जा रहे हैं बिना तखसीस किसी कुंबे के बरादरी के अलगाई सिलसिले के साथ नहीं चल रहे, आप जाना अल्लाह की तरफ से दिलों के वज़ीर आज़म बुज़ुर्ग मोहतरम सदर तकरीम चौधरी अब्दुल मजीद साहब स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, मौजूदा रखीने का बीना अशीरान रीजनल और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अफसरान, इंतहाई मौजूद व मौकर हमारे दीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मीरपुर ने लोग अमली तौर पर रोशन पाकिस्तान की कायम और दायम रखने दो बारी अपने अबाओ अजदाद दियां कबरां, ये सिर्फ जुमला जड़ा है, मूह कढ़ना दुनिया का सब तो सौखा काम है, लेकिन जेड़े तुहाडे तखलीक ना बायस बनने वाले तुहाडे वालदैन ने, तुहाडे वड़के ने, उन्होंने कबरां पानी के हवाले करना दुनिया का सब तो औखा काम है। ये कुर्बानी एक बार नहीं, दो बारी इस खिते ने लोगों दी है। ये बदनसीबी है, ये बदकिस्मती है कि जड़ा हक अख झपकने तू पहला इस दलीज तक आना चाहिए सी, वो हक तुहानू वापस देने 16 वरे लग गए, तो वह गल अजे तक राज सी। तकलीफ दे गल है, ये भी कोई कम च कम सी। 160 मीटर मीरपुर वाले पास भी किलोमीटर बन गए हैं, चकसवारी वाले पास भी, इस्लामगढ़ वाले पास भी बन गए हैं।
लेकिन ओनरशिप नहीं सी। अल्लाह पाक ने खास कर्म होए, उसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे नायत होए, राबो फहमो फरासत देना कलम ना इख्तियार मखलूक ने खिदमत आस्ते बरादरी आस्ते नहीं, इलाकाई पैसों पैसों वास्ते नहीं। जे मेरे जहन च भी यह ख्याल अल्लाह पाक पा छोड़े आइंदा भिबरू इलेक्शन किस तरह जीतना है, पूरे आजाद कश्मीर में सत्यानाश हो जाना सी। मैनू यह भी नहीं पता बस साहब मैनू इजाजत देंगे मैं अगला इलेक्शन में तकांगा, एक लम्हे का भी नहीं पता। इतनी लंबी प्लानिंग करने की लोड़ जड़ी है वजीर आजम आज की तारीख च, जदों तक मेरे कलम च इख्तियार है रब मैनू पूछना है तेनू जरा इख्तियार दिता सी वह हशर दिहाड़े किस तरह इस्तेमाल किया। उदू ना एक आसम मजीद साहब होंगे, ना मेरी कबीना होगी, ना मेरा कोई वोटर सपोर्टर होगा, ना मेरा कोई सिफारशी होगा, मैं जाना तो मेरा अमल जाना ते मैं तो तुसा सारे जिया चक्के रोज तकने रोज जनाजे पढ़ने वे कब्रिस्तान नगजीर तू भरे ये मेले उदू तक जदों तक मैं ते तुसी है हाँ। पंजा मिंटां च असां मैयत घंटियां बाद कबर ते उस तों बाद कहानी खत्म। जदों ये गल ज़हन च होए फिर बंदा नक नहीं सीधा सीधा ही टुरदा, और सीधी राह कहड़ी है सराते मुस्तकीम की राह कहड़ी है मखलूक की खिदमत करो। हां मेरे पेश रहो किसी मेरे एक अजीज वजीर गल आखी अज दे तिहार 20 तारीख 20 अप्रैल 2023 की मैं वजारत उज़्मा का हाल चुकिया सी, अज पूरे हो गए 18 महीने। अल्लाह की हाजर नाज़र जान के गल तुहानू आखना मैं 16-17 घंटे काम किया, एक लम्हा मैनू 18 महीने सुकून ना नहीं लभा। वजह खुदा ना खास्ता मैं किसी ने प्यो नहीं मारिया, मेरे को पहली नहीं मरनी। हां बदयंती ने निजाम की, लोगों का इस्तेसाल करने वाले निजाम की, मखलूक की हकीर जानने वाले निजाम की, सीधा बजिया और हक करके बजिया। यह मेरा जुर्म है, तो यही जुर्म मेरा वालद भी 60 साल करके गया, वह मैं कर लगे हैं। लेकिन यह जो 18 महीने मैं गुजारे ये तमाशा मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं तकिया, और मैं हिसाब लाया रब मैनू वजीर आजम क्यों बनाया। मैं तो पानी के गिलास में भी खर्चा कोई नहीं किया, एको ही जवाब मैं लगा ला युकल्ले हुला नफ्स इल्ला वुसअहा, मालक बंदे पे उतना ही पाता है जितने उसके मोंडे भार चुकते हैं। पर मेरे जहा कोई इतना जहा कारकुन चाहिए सी जड़ा इस रुड़ते निजाम की कायम रखने अपना किरदार अदा करे। आज अल्लाह पाक ना मेरे ते खास कर्म है, मैं मेरा तल्लक है फाउंडर ब्लॉक नाल, सारी खदाई की पता है। इत्तेहादी जमात ने मेरे दोस्त वजीर कई ने बजुर्ग मेरे बजुर्गों ने साथी, अज असी दूसरी नस्ल च आजाद कश्मीर इन्ना सारा ते है, हर बंदा हर बंदे ना शजर नसब जानता कि बलदीयत क्या है कि नस्ल चू है कि कबीले चू है। लेकिन सारे गल आखी भाई जितने भी चैलेंजेस सन, जितना भी माहौल की तरफ करने की कोशिश की गई, अल्लाह का खास कर्म की है मेरे दोस्तों बुजुर्गो, एक लम्हा भी असा अवामी खिदमतों को कुताई कोई नहीं की। मिसाल की है ट जाके आजाद कश्मीर की सरहद मुक जाती है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तो दूए पास्यों शंभ मनावर अगर तवी पार फिर मकबूजा कश्मीर, शंभ मनावर तो लैके ताओबाट तक पहली बार आजाद कश्मीर बराबरी नहीं सतह से तमिलों तरक्की ने काम शुरू हो।
ਜੇ ਸਾਰਾ ਨਿਲਮ ਕੀ ਕਰਬ ਰੁਪਿਆ ਲੱਭਾ ਤੇ ਪੁੰਛ ਚ ਤੋਲੀ ਪੀਰ ਰੋਡ ਕੀ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੋ ਲਾਮਾ ਜਵਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗਲੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਮੇਜਰ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਆਟਾ 71 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨੀ ਹੋਈ ਘੁੱਗੀ ਫੇਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਿਹਾ 30 ਜੂਨ 2024 ਬਜਟ ਚ ਲਿਖਿਆ 50-51 ਅਰਬ ਲੱਸ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਖਤਾਕਾਰ ਆ, ਸਿਆਹਕਾਰ ਆ, ਬਦਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਦ ਦਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ 71 ਅਰਬ ਨਾਲ ਖਸਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਧਰਨੇ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਪਹੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਧਾਫਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਚੱਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 350 MW ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਠੂਆ ਰਿਹਾਮ ਇੱਕ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਾ ਵੀ 40 ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੂਨ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਲਾਹੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੱਢ ਛੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਛੋੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਓ। ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਕ ਨੇ ਤਹਿਫੁਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਈਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਟੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਖਿਲਾਈ ਗਿਆ ਸਰ, ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਸੀ ਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜੇ ਸੁਰਤ ਹਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰੱਖੋਇਆ ਹਰਿਆਮ ਬੜੀ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਡਡਿਆਲੇ ਆਵਾਮ, ਇਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਆਵਾਮ, ਟਕਸਵਾਈ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਕੋਟਲੀ ਆਵਾਮ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ
अद्धे घंटे का सफर, पौने घंटे का सफर, पंजा मिंटे तय करी तय पेपर जाई सकने। तो इस वजह से पहुंची है जी रुठो या हरियाम ब्रिज वाली रोड है। अस चेक करो जी साइन बोर्ड रुठो या हरियाम ब्रिज ने स्टार्टिंग पर जनाब चौधरी अनवार हक वजीर आजम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर को रुठो या हरियाम पुल के आगाज नो पर खुश आमदीद कहते हैं। तो इतों अस निकलने जी इस्लामाबाद बाजारा की तरफ अपने चाचड़ों के लौने साढ़े कितना गया बोलिए कोई मिल ही नहीं रहे उन्हें मारे लिए रात करना पैसी रास्ते जाए चाचा और लफ्सर। बाकी आज ने वीडियो के दौरान किसा किसम की गलती कटाई गया तो माफ करें। तो बहुत ज्यादा सोनी खिदमत की नवी वीडियो आज दस तब तक दसो इजाजत ईमान अल्लाह।